बाज लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? माय डियर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैसेज है, जरा गौर फरमाइएगा। एक दोस्त ने अपनी नमाज पढ़ने की वजह बयान की। उसने कहा, बहुत आसानी से मैं नमाजी बन गया। कैसे नमाजी बन गया? एक दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था कि मेरी क्लास का मजमून उलूम दीनिया, दीन के ऊपर बात हुई। उस्ताद ने क्लास में तशरीफ लाए, उन्होंने शागिर्दों से सवाल किया, आपकी नजर में कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते? एक ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जो लोग मर गए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। दूसरे शागिर्द ने मासूमियत से जवाब दिया कि जो जिनको नमाज नहीं आती वो नमाज नहीं पढ़ते। तीसरे बच्चे ने अपनी जगह से खड़ा होकर निहायत माकूल जवाब दिया, जो लोग मुसलमान नहीं है सर वो नमाज नहीं पढ़ते। इसी तरह एक और बच्चे ने जवाब दिया, जो लोग काफर हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। सुनिएगा माय डियर, इस तरतीब से पांचवें बच्चे ने जवाब दिया, जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो नमाज नहीं पढ़ते। तमाम शागिर्दों ने अपने अपने नजरियात बयान किए, लेकिन मैं सोचों में डूब गया कि इनमें से कौन सा हूं। आया मैं मर गया हूं? नहीं तो। आया मुझे नमाज पढ़ना नहीं आती? आती है। आया मैं मुसलमान नहीं हूं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। क्या मैं अपने परवरदिगार से नहीं डरता? डरता हूं। आया मगर मैं काफिर हूं? नहीं, नऊज़बिल्लाह मैं मुसलमान हूं। फिर मैं क्यों नहीं नमाज पढ़ता? मैं अपने आप से कहने लगा, अगर कब्र की पहली रात मुझसे सवाल किया गया, क्या किया गया, तुम जिंदा थे, नमाज आती थी, मुसलमान भी थे, अल्लाह से डरते भी थे, तो फिर बताओ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? मेरे पास क्या जवाब होगा, क्या कहूंगा? सिर्फ एक ही रास्ता है, सोचिए आज से। अपना बहुत ख्याल रखिए।